As Salaamu wa Rahmatullahi wa Kaduhu. Welcome to our workshop today, Dealing with Anger and Parenting Without Guilt. Thank you so much for joining us on time. So let's start. Bismillahir Rahmanir Raheem, Rabbi Shahli Sadri, Vayasirli, Amri Rasan Uttakam, Milisani FL Kauli. Achamera introduction. Kushlo Giape Mujah Jante, Huge, Kush Junhi Jante. For them, I am Hina Farhan. I'm a mindful parenting coach. And I am associated with Mumkin. Oh, me and Zoya both are Mumkin life coaches. And I am an NLP practitioner as well and timeline therapist. So let's start. And uh, Zoya will introduce herself. Zoya, please introduce yourself. Yeah. assalamualaikum everyone. Thank you so much. You have And alhamdulillah. We are here together. लर्निंग के लिए और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ uh, मैं भी जैसे कि हिना ने कहा कि मैं भी मुमकिन की है साथ हो. And, uh, मैं जो वो सऊदी अरबिया में रहती हूँ रियाद में मुकीम हूँ अपनी फैमिली के साथ आई एम आम मेकर मुझे बहुत शौक है कि मैं नए नए स्किल्स सीखूँ और जो है वो Logo को जो है उसमें develop करने उनकी help personal development help so let's start with the ground rules yeah, yeah. is it clear uh, my screen is visible can yes your screen is fine Mashallah. we can see it yes yeah, so so, uh, our crown rules uh, are you must keep your mic muted all times. If there is any question, raise your hand and please kindly refrain from multitasking so that you are aware that you are here and be present in this session just for an hour. We just need an hour from you. And uh, be active in the chat box. We might ask some questions. So, please be attentive and respond. Uh, respond yourself in the chat box share value with uh, family and friends whatever you learn here take some notes and do share it with your family and friends okay so let's move on uh, we have already introduced ourselves so today's learning objectives okay Zoya, i will uh, uh, i will ask you to start from take a take controls from here से हर को रोज की की हम जितना अपने साथ ही नहीं करूंगी लेकिन फिर भी गुस्सा आता है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गुस्सा क्यों आता है ठीक है और आज हम ये सीखेंगे की क्या हम अपने आप को जानते हैं क्या हम अपने आप को इतना वक्त देते हैं कि हम अपने गुस्से को जान सके और वो क्या इफेक्टिव वेज हैं जिसके साथ हम अपने एंगर को मैनेज करना सीखें हम एक तरह की मैनेजमेंट सीखेंगे और उससे भी ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि एज अ मॉम कैसे अपने आप को ग्र से बचा सकते हैं टू डेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो डिफाइन के गुस्सा है क्या तो so, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि गुस्सा जो है वो uh, can you go to the next slide, please? गुस्सा yeah. uh, yeah. <laughs> एक बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशन है ये आपको एक फीलिंग है जो आपको आती है जिसकी वजह से आप जो है वो बुरा महसूस करते हैं वो वो जो गुस्सा है वो किसी की वजह से हो सकता है वो आ किसी जेलिसी की वजह से भी हो सकता है वो किसी दुख की वजह से भी हो सकता है वो किसी होपलेसनेस की वजह से भी हो सकता है अब हम ये देखेंगे कि गुस्सा जब हमारी बॉडी में आता है हमें तो किस तरह से उसकी फिजियोलॉजी जो है वो हमारी बॉडी की जो है वो चेंज होती है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हम ये देखते हैं कि गुस्सा जब एक शख्स एक्सपीरियंस करता है तो उसकी पूरी बॉडी के अंदर एक चेंज आता है उसकी फिजियोलॉजी में उसके ब्रेन में उसका ब्लड लेवल जो है ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है उसके एग्रिली जो है वो इंक्रीज कर जाती है तो हम ये देखेंगे कि जब इसका असर इतना ज्यादा हमारी बॉडी के ऊपर आता है तो हमारा ब्रेन उसको कट क्या करता है तो किस uh, तरीके से हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है ये हमारा ये जो अभी आप देख रहे हैं येलो पार्ट दिस येलो पार्ट इज योर फ्रंटल लोब ये जो फ्रंटल लोब है जब आपको एंगर आता है तो ये फ्रंटल लोब शट डाउन की तरफ जाता है फ्रंटल लोब का मकसद क्या होता है फ्रंटल लोब का मकसद ये होता है कि वो आपसे डिसीजन मेकिंग करवाता है वो आपको हेल्प करता है न्यू लैंग्वेजेस सीखने में वो एक तरह का आप कह सकते हैं एक्टिव ब्रेन है एक तरह से जो है वो आपको इवेल्यूएट करना सिखा रहा है और जब आप गुस्से के आलम में आते हैं तो फिर Uh, आप जो है वो uh, फ्रंटल लोग को शट डाउन की तरफ ले जाते हैं एंड देन यू वर्क विद रेपिटिलियन ब्रेन इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी कि रेपिटिलियन ब्रेन क्या है और रेपिटिलियन ब्रेन हमारे हमारी uh, हमारे साथ करता क्या है एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रंटल से हम लैंग्वेज आइडियाज कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें जो है वो uh, और इमोशंस और फीलिंग्स को जो है वो प्रोसेस कर रहे होते हैं लेकिन जब हमारे ऊपर गुस्से का गलबा आता है तो हमारा फ्रंटल लोब शट डाउन की तरफ जाता है और रेपिटीरियम ब्रेन जो बैक तो साइड ऑफ तो द तो ब्रेन है जिसको आप देख रहे हैं कि वो डोमिनेंस की तरफ चला जाता है वो इंस्टिक्स की तरफ और सर्वाइकल मोड पे चला जाता है उस वक्त क्या होता है कि जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आप एक तरह के तीन तरह के रिस्पॉन्स के आ, की सूरत हाल में जाते हैं या तो आप फाइट के मोड में जाते हैं या फ्लाइट के मोड में जाते हैं या आप फ्राइट के मोड में जाते हैं एकदम से आपका जो सिंपटेटिक नर्वस सिस्टम है वो तीन रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है आपने अक्सर देखा होगा कि गुस्से की हालत में आपकी आवाज़ बहुत ऊंची हो जाएगी आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी आपने लोगों से भी सुना होगा कि उसने गुस्से की हालत में जो है वो ये चीज तोड़ दी या ये खा के फेंका या एक शख्स को तो इतनी जोर से धक्का दिया या इतनी जोर से उसको मारा कि वो उधर ही फौत भी हो गया तो मतलब एक गुस्से की जो हालत होती है उसमें आपके जिसम के अंदर बहुत ज्यादा जो है ताकत आ जाती है और आप बहुत ज्यादा जो है वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो कि आप आम हालत में नहीं कर सकते यस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अच्छा अब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाह रही हूँ मैं ही पूछना चाह रही हूँ चैट बॉक्स में बताएं मुझे और हिना को कि क्या किस बात पे आपको गुस्सा आता है ज्यादा

When you're not able to convey your message. Yes, this is very frustrating. When you communicate. Absolutely. -hmm. These are real challenges. Unfairness. <laughs> unfairness and disrespect. Yes. The body pain and kids are not listening. Javeria is saying when having a body pain and kids are not listening. Yeah. That that's a mommy me. problem. <laughs> yeah, that's a very natural and mommy problem. Uh, uh may you... a situation. Sorry? The yeah. situation is not under your control. When someone crossed my boundaries, yes. When things don't happen the way I wanted. या ऑल्सो वन आई हैव पेन सो देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना कि जब हम पेन में हैं या जब हमारी कोई बाउंड्रीज क्रॉस कर जाता है जब हमारी कोई बात नहीं सुनता तो ये सारी चीज़ें हमें एंगर मतलब इससे हमें एंगर आता है तो अभी जो जोया ना शुरू में बात करी ना कि हमारी बॉडी में कोई फीलिंग्स होती हैं सो हाउ डू यू फील बॉडी डू यू फील एंगर जब आपको एंगर फील होता है कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है तो वेयर डज इन योर बॉडी डू यू फील चेंजेस ये कुछ चेंज हो रहा है हम्म mm, और अगर आप नोट करो है चेंज आता है आ, आ, या, और अगर है ना आप नोट करो तो ये जो सब इन्होंने लिखा है ये इनके ट्रिगर्स हैं जैसे कि हाजिया ने कहा है कि अनफेयरनेस एंड कि जब भी उनको कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा शी विल गेट एंग्री सो ट्रिगरिंग पॉइंट ओके इसी तरह याहिया ने कहा है कि जब मैं आ, अपना मैसेज सही से कन्वे नहीं कर पाती हूँ ठीक oh. है मैं किसी को अपनी बात समझा नहीं पाती हूँ तो मुझे गुस्सा आने लग जाता तो है yes. आज हम यही इवेल्यूएट कर रहे हैं आज हम यही समझने बैठे हैं कि मेरे ट्रिगर्स क्या है ठीक exactly. है एक चीज है कि और जैसे कि तुबा ने भी कहा है कि जब समवन क्रॉस माय बाउंड्रीज ठीक है कोई जब और जैसे कि मलियम गिलानी ने कहा है, जब मैं हेल्पलेस फील करती हूँ ठीक है दीज ऑल आर योर फ्रिगर्स कैन यू गो टू द अदर साइड सो वी कैन थॉक अबाउट द ट्रिगर्स ऑफ एंगर एक्चुअली में एंगर बेसिकली है क्या एंगर एक तरह की हैबिट है ठीक है और okay. जब हम हैबिट को लर्न करते हैं जब हम हैबिट के बारे में मज़ीद जानते हैं जैसे कि यहाँ मैंने एक बुक मैंशन की हुई है द पावर ऑफ हैबिट तो इसमें चार्ल्स डूए की ये बुक है उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ट्रिगर्स जो हैं उसकी वजह से आपकी uh, मतलब ट्रिगर्स uh, क्या होते हैं और एक हैबिट जो है वो किस तरह बिल्डअप होती है और वो साइकिल कैसे एक लूप जो है आपका जो है आ, आपको सेटिस्फेक्शन देता है कैसे आप उसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते रहते हैं एक एक ट्रिगर होगा उस हैबिट को टर्न ऑन करने में ठीक है ना? तो वो जब टर्न ऑन होगा तो वो किसी वजह से हो सकता है जैसे कि आप लोगों ने ये सारे जो भी लिखे हैं ना ये सारे ट्रिगर्स है आपके तो नाउ सो नाउ यू नो योर एंग ट्रिगर्स example है कि जब ये ट्रिगर्स होते हैं तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम एक हैबिट के अंदर आ चुके हैं यू नो कि अच्छा ये हमारी हैबिट है और ये हमारा जो है वो आ, आपने कहा कि हमें सेटिसफेक्शन होती है कोई कुछ करके तो आ, एक क्लाइंट थी मेरे पास और उनका ये ट्रिगर था कि भाई बच्चे बात नहीं सुनते और ऐसे ही बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे ऐसे क्योंकि जिस तरह के कॉमेंट्स हमारे पास आए थे फिर तो जब बच्चे बात नहीं सुनते और वो हमें ट्रिगर करता है तो हम क्या करते हैं हमारी हैबिट ये होती है कि हम लाउड हो जाते हैं ठीक है बिकॉज वी नो कि अब वो बात सुन लेंगे कि अच्छा फिर हम ये अपने आप से अपने आप को तसली भी देते हैं कि आहिस्ता से तो ये बात नहीं सुनेंगे ये चीख के ही बात सुनेंगे एंड देन वी आर इन हैबिट ऑफ शाउटिंग एंड देन दे आर इन हैबिट ऑफ लिसनिंग दैट वे ओनली फिर वो काम हो जाता है वो जो काम हो जाता है ना वो सेटिस्फेक्शन होती है कि देखा चिल्लाया hmm. ना तो काम देखो मैंने ये किया ना तो काम हो गया तो वी आर इन फिर हमें लगता है कि अब हम इससे बाहर नहीं आ सकते क्योंकि करेंगे और फिर ये और ये इसी को इसी को हम जब uh, क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं तो हम उनके उन्हीं पूरे के पूरे उनको चॉइस मैप की तरफ लेके जाते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि इसके अलावा आपके पास क्या और चॉइसेस हैं जो आप अपने इस हैबिट पे काम कर सके अक्सर हमारे साथ जो है वो क्लाइंट्स अपने एंगल मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा काम करने पे जो है वो हमारे साथ कमिट करते हैं और दे वर्क फॉर लाइक गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है वो है आपके अंदर वो आएगा लेकिन आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए अच्छा और हम ये देखते हैं कि

नुकसान क्या होता है यानी गुस्सा करने की वजह से क्या मतलब वाई आर यू हेयर टूडे मतलब गुस्से के बारे में आप लोग क्यों लर्न करना चाह रहे हैं देयर मस्ट बी सम इस वर्कशॉप में आए तो मुझे आप ये बताएं कि अगर आप मुस्तिल गुस्सा करते रहेंगे अपनी जिंदगी में तो अच्छा उमैया ना का मैं कंट्रोल करने, करने के लिए आई ओके नाइस तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आ, मतलब अगर आप इसी तरह गुस्सा करते रहेंगे तो क्या क्या मतलब क्या फर्क पड़ेगा इससे आपके रिलेशनशिप्स पे ओके okay. तुबा ने कहा है हेल्थ एंड फैमिली इश्यूज एंड हाजरा ने कहा है शाहजेब हाजरा शाहजेब ने कहा है बेटर रिलेशनशिप्स ओके नाइस एंड उम्मीद या तो कंट्रोल करना चाहती हूँ गुस्से को ओके okay, नाइस nice. जी एक बहुत बड़ा जो हमारा रीज़न है अपने एंगर को मैनेज करने का वो ये है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हैं अच्छा जी सना इकबाल ने कहा है गुस्से को रेगुलेट करना है कंट्रोल तो नहीं हो सकता येस योर राइट तो रेगुलेट कैसे होगा व्हेन यू नो योर ट्रिगर्स व्हेन यू नो वन यू नो योर सेल्फ जब आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे यू नो स्क्रीन नहीं शेयर हो रही

मुझे मेरे शोहर हेल्प नहीं करते इस वजह से मुझे गुस्सा आने लग जाता है शाम तक मैं बर् बर्ड हो जाती ठीक है और कुछ कुछ लोगों से जब कुछ खातन से जैसे हमने बात की तो उन्होंने उन्होंने कहा कि हमारा कॉमन फैक्टर ये है कि मुझे जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है बिकॉज ऑफ माई फाइनेंस मुझे पता होता है कि महीने का अब आखिर आने वाला है और अब हम हमारे जो बजट है वो बहुत कम रह गए तो मुझे फिर हर बात पे गुस्सा आएगा फिर मैं हर बात पे चिड़ूंगी और फिर हर बात पे मैं लाओ गिर जाऊंगी तो आ, स्ट्रेस की वजह से जो है वो आ, मतलब गुस्से का आना ठीक है और फिर उसके बाद अगर आप सही से सो नहीं रह पा रहे आपकी तो नींद नहीं पूरी हो पा रही है और या तो फिर आपने बहुत सारी चीजों में अपने आप को कमिटेड किया हुआ है जहां पे आपको नहीं भी, भी होना चाहिए था फिर भी आपने कमिटमेंट बहुत सारी दी है ओवर कमिटमेंट की वजह से यू आर ऑलवेज इन एंग्री मोड ठीक है अब आपकी हैबिट बन चुकी है कि जब भी आपको ज़्यादा काम दिया जाएगा या आपसे चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हो रही होंगी या आपके हिसाब से नहीं हो रही होंगी तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा एक और चीज़ है जो कि देखी जाती है जिन लोगों की सेल्फ इस्टीम भी लो होती है वो भी गुस्से को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं तो इस चीज़ को भी देखा जाए कि सेल्फ इस्टीम तो लो नहीं है मेरी just give a hard part, which but you have a message i can map the value make your switch too it is uh, my thinking about myself is yeah, that you can it? go to yeah perfect you can go to the other slide please yes yeah the other one i have completed this one also yeah this now now you go ahead अच्छा और जो कॉन्सिक्वेंस और है ना क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं एंगर के हमारे बच्चों पे हमारे रिलेशनशिप्स पे हमारे को वर्कर्स पे हमारे सब ऑर्डिनेट्स पे हमारे इर्द से जुड़े हुए लोगों से जी असरा तो, तो देखें बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि जब हम अपने कंट्रोल में नहीं होते तो हम अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर निकाल रहे होते हैं और वो हम उस तरह निकालते हैं कि लोगों को ज़ाहिर है कि वो नहीं चाहिए लाइक like हम चीखते हैं हम चिल्लाते हैं बहुत सारे लोग अपने आप को तकलीफ़ देते हैं कुछ लोग दूसरों को मारते हैं कुछ अपने आप को मारते हैं आई हर्ड अबाउट केस दैट वहाँ पे एक शख्स जो है वो दूसरों को कुछ नहीं कहते थे वो साहब थे और वो किसी को कुछ नहीं कहते थे लेकिन वो अपने आप को बहुत मारते थे दीवार में सर मारते थे या कुछ भी ही जस्ट हर्ट हिमसेल्फ तो आउट ऑफ एंगर तो अब और फिर ज़ाहिर देखें कॉन्सिक्वेंस और भी ये होते हैं कि जब आप गुस्से को सप्रेस करते रहते हैं ना आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने एंगर को लाइक हेल्दी वे में तो वो, वो एक टाइम के बाद ना वो डिप्रेशन में चेंज हो जाता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गिल्टी फीलिंग्स एंड आप बहुत ज़्यादा उसको सप्रेस कर करके आखिर में जाके एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ वो डिप्रेशन बनता है डिप्रेशन ऐसे ही नहीं आ जाता लाइक like, टेंशन है डिप्रेशन है ये रिग्रेट इवन द गिल्ट सैडनेस ये सब बाद में आता है क्योंकि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसको बस अंदर अंदर रखते हैं और फिर एकदम से एक बर्स्ट होता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें बार बार गुस्सा आता है कभी कभी जैसे शायद अगर हम अपने आप को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना तो हमें लगेगा कि यार पहले तो हमें इतना गुस्सा नहीं आता था अब हर छोटी बात पे आता है बिकॉज अब वो एक एडवांस स्टेज पे चला गया है अब वो आएगा बार बार आएगा तो लेट्स मूव ऑन और अगर एनी वन हैज़ समथिंग टू एड ऑन सो प्लीज इन योर चैट प्लीज़ एड गुस्से को रेगुलेट करना है कंट्रोल तो नहीं हो सकता यस रिग्रेट्स रिग्रेट्स होते हैं क्योंकि गुस्सा आता आता है फिर हम अपने एक्शंस ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए और फिर रिग्रेट होता है एंड अल्टीमेटली ऐसा ही होगा ओके सो मूविंग ऑन ओके सो नाउ दिस इज माई फेवरेट पार्ट मोम गिल्ड तो यहाँ पे बहुत सारी खातन ऐसी होंगी जो मदर्स भी होंगी और आप इस फीलिंग से भी गुजरी होंगी कि मॉम गिल्ट जो है वो बहुत रियल है और बहुत ज़्यादा आपको इस फीलिंग में यू you नो know, अपने आप को बार बार आप क्वेश्चन भी करती होंगी कि मैं क्यों ऐसा करती हूँ क्यों मुझसे ऐसा हो जाता है मैं क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड शायद मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है शायद मेरे ही बच्चे ऐसे हैं ये सारी चीज़ें शायद आपके पास कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आते होंगे सो प्लीज़ शेयर कि आपको गिल्ट किस चीज़ का होता है do you go through this mom guilt and if yes what is making you guilty i'm waiting for your responses what, does, what makes you guilty gussa hone ke baad gussa karne ke baad kya wo jo ek feeling I hai aksar aksar usse khaltiin kehti hai aap se baith ke hum ro rahe

हम अपने गुस्से को उस लेवल तक ना लेके जाएं कि हमें बाद में गिल्ट हो बिकॉज गिल्ट इज़ अ पास्ट जब गिल्ट है तो दैट मीन्स इट्स अ पास्ट यू कैन नॉट डू एनी थिंग ना यू हैव टू लुक फॉरवर्ड चेंज योर बिहेवियर्स बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी वॉट यू नीड डू वॉट यू वॉन्ट एंड चेंज योर सेल्फ दैट्स वॉट यू कैन डू फॉर द गिल्ट यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज दैट फीलिंग कि ओ मुझे गिल्ट हुआ था अच्छा अब मैं उसके बारे में अच्छा कैसे फील कर सकती हूँ नहीं वो अच्छा नहीं हो सकता ठीक है वो बुरा ही था वो बुरा ही रहेगा लेकिन वो अगली बार ऐसा ना हो मेरा गुस्सा इस कदर आगे ना जाए कि मैं बाद में अपने एक्शंस पे गिल्टी हूँ जैसे काफ़ी सारे लोगों ने आ, किया कि बच्चों को मार दिया या आ, हर्ट कर दिया या बच्चों को नो बोल दिया और बाद में गिल्टी हुए तो दीज आर सम कॉमन एग्ज़ाम्पल्स ठीक है अच्छा होता ये कि हमें थोड़ा सा ना रूट कॉज पे जाने की जरूरत है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अच्छा भाई गिल्ट होता क्यों है गिल्ट तो बहुत लास्ट स्टेज है ना जैसे अभी हमने बताया कि वो तो बहुत आखिर में होता है शुरू में क्या होता है रूट कॉज क्या होती है शुरुआत होती है एग्जॉस् से हम बहुत सारी चीज़ों पर एक्सॉस्टिड होते हैं स्ट्रेस होता है हमें फिर हम ओवरबर्डन होते हैं ओवरवेम्ड होते हैं उनकी हमारे पास कोई बाउंड्रीज नहीं होती है. हम बस करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं एक लूप में है और बस सारे काम हमें ही करने हैं नो हमें नहीं आता हम हमने ये नहीं सीखा कि हम किसी को नो बोलते हैं हम बच्चों को भी नो बोल के गिल्टी हो जाते हैं अभी यहाँ पे लोगों ने शेयर किया तो ये वाली ए, कुछ चीज़ें हैं जो हमें इन इनके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हमारे रूट कॉज क्या है हम किस वजह से एंगर एंगर और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं कि भई एग्जॉशन है या स्ट्रेस है या क्या चीज़ है जो हमें यहाँ तक लेकर आ रही है और इन दैट एंड फिर हम उस गिल्ट पे जाते हैं ओके हम और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है कि हम इस फीलिंग को अपनी कैसे रोक सकते हैं या अपने एक्शंस को कैसे चेंज कर सकते हैं लेट्स सपोज कि मुझे जो है वो इंस्टेंटली गुस्सा आ जाता है अगर कोई मेरी चीज़ उठा ले जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे घर में कॉस्मेटिक्स रखा हुआ होता था ड्रेसिंग टेबल पे और बच्चे अक्सर उठा के लिपस्टिक तोड़ देते थे एंड दैट मेक्स मी angry और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और uh, कभी कभार मैं एक हाथ लगा भी देती थी कि भाई ये ये मतलब क्यों तोड़ा और क्यों हुआ बट दैन आई आइडेंटिफाइड वट इज़ मेकिंग मी एंग्री ये मेरी चीज़ ख़राब हो रही है जब मेरी चीज़ ख़राब हो रही है तो मुझे गुस्सा आ रहा है तो फिर मुझे चीज़ को जगह पे रखने की ज़रूरत है या बच्चे को समझाने की ज़रूरत है या फिर मुझे रिएक्शन देने की ज़रूरत है वॉट इज़ देट आई वॉन्ट टू डू देन आई रियलाइज या तो मैं वो बच्चा अगर इतना बड़ा है कि वो समझ सकता है तो मुझे उसको समझाने की ज़रूरत है और अगर वो इतना बड़ा नहीं है तो मुझे उस चीज़ को बचाने की जरूरत है वेट करने की जरूरत नहीं कि वो तोड़ेगा और फिर वो मैं उसको मारूंगी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है देन आई रियलाइज एंड आई वर्क ऑन इट फिर मैंने इस चीज़ों को चेंज किया अपनी और अलहमद थिंग्स गॉट बैटर वन आई रियलाइज थिंग्स गॉट बैटर आई चेंज माई एक्शंस बाई चेंगर तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं

हमें रिएक्ट नहीं।, नहीं करना हमारा रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि वो इश्यू वहां नहीं होना चाहिए हमें पता है कि वो बच्चा अभी छोटा है उसको नहीं समझ है ठीक है और हम उसको उसकी जगह को बदल देंगे और उस 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 सिचुएशन तो को होने ही नहीं देंगे हम्म या तो हम उस सिचुएशन को ना होने देंगे तो, या फिर हम उस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से डील करें अगर बच्चा समझ सकता है उससे बिल्कुल आपने बात की कि, कि बच्चे की एज के मुताबिक उसको देखा जाए कि वो किस हद तक अंडरस्टैंड कर सकता है और यहाँ पे भी किसी ने शेयर किया है कि हमारी थॉट्स को हम चेंज कर सकते हैं हम पॉज ले सकते हैं ये बेस्ट है कि आप पॉज ले लें एक मिनट के लिए अपने आप को एक थोड़ा सा ब्रेक दे दें ओके टेक अ वन मिनट ब्रेक एंड देन कम अगेन एंड देन सी द सिचुएशन फिर आप देखें उसमें क्या करना है तो वो जो आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स होगा ना वो बहुत बेटर जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स से बहुत बेटर होगा बिकॉज समटाइम्स हम बस ओवर दी हेड रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं ना आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और आउट ऑफ हाइट ऑफ इमोशंस हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और हम बस शुरू हो जाते हैं बाद में गिलती होते हैं ठीक है तो मैं इस पर चीज ऐड करूँगी अक्सर जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं जैसे बच्चे पढ़ने लगे हमारे से मैथ्स पढ़ने लगे तो जब बच्चे को वो चीज नहीं समझ आ रही होती है या उसको याद नहीं हो रही होती है तब भी हमें उस पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है तो और उस वक्त अपनी थॉट को ये ये अपने जिस तरह का ना चेंजिंग तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस वक्त आपको फिर गुस्सा आपका मैनेज होगा कि जब आपके जहन में ये बात होगी कि ठीक है ये है तो मेरा ही बच्चा ना ठीक है अगर इसको भी नहीं समझ आ रही आ जाएगी मतलब जो आप अपने आप से इस तरह के थॉट आपके थॉट के अंदर जब ये चीज होगी ना कि इट्स ओके यू लर्न ये है तो मेरा ही ना तो वाई आई ट्राई मोर टू आई शुड चेंज माई स्ट्रैटीज आई शुड चेंज माई पैटर्न इन सेट कि मैं उसके ऊपर फोर्सफुली उस पर गुस्सा करूँ उस पर चीखू या उसको बुरा भरा बोलो गुस्से में आके मैं अपने उस एंगल uh, के ट्रिगर को होने ही ना दू तो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट हमारा का हम अपनी अपनी थाट को चेंज करें ताकि वो ट्रिगर ही ना हो exactly anger blocks the mind usually yes it does it does and I have a very beautiful example from फ्राम लास्ट वीक सेशन और ये बिल्कुल उससे रिलेट करती है जो अभी जोया ने बताया कि जब हम karwa करवा रहे होते हैं बच्चों को और हमें उस पर गुस्सा आता है जब पढ़ा रहे हैं याद करवा रहे हैं तो देर इज़ अ लेडी विथ मेन अ कोचिंग और उसका ये प्रॉब्लम था कि वो जब गुस्सा उसको तब ज़्यादा आता था जब वो होमवर्क के लिए लेके बैठती थी क्योंकि बच्चे याद नहीं करते और uh, उनका बेटा है तो बेटा जरा लड़के जो है वो उनको बिठाना और याद करवाना एक इट्स अ टास्क तो उन्होंने कहा कि मुझे बस उसी वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा आता है फिर जब मैंने उनसे इंटेंसिटी पूछी कि कितना गुस्सा आता है तो उन्होंने कहा इतना गुस्सा आता है कि कभी कभार मैं झाड़ू उठा लेती हूँ और सबसे इस दफा भी ऐसा ही हुआ था कि झाड़ू उठ गई नहीं लेकिन अलहमदिल्ला पड़ी नहीं थोड़ा सा एक लेवल कम हुआ फिर जब अगली अगला सेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना एक नई चीज़ ट्राई की जी क्योंकि हम ये एक्सरसाइज कर चुके थे कि आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स टेक अ पॉज एंड थिंक योर अदर एक्शन ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो हो चुकी थी तो अगले सेशन में उन्होंने बताया कि मैंने इस दफ़ा कुछ डिफरेंट ट्राई किया मैंने बड़े उससे पूछा की रियासिटी से कि क्या ट्राई किया आपने उन्होंने कहा मैंने जो है ना वो उसके जो टेस्ट का आया था स्पेलिंग स्पेलाथन था और मैंने उसको खुद से लाउडली पढ़ना शुरू कर दिया एंड आई जस्ट रोल प्लेड कि आई एम अ स्टूडेंट एंड ही इज़ अ मदर और मैंने कहा कि ओके आई हैव लर्न माई स्पेलिंग सब चलो मेरा टेस्ट लो और फिर मैंने टेस्ट भी लिखा और फिर uh, एक स्पेलिंग uh, मुझे याद नहीं आई है उसने कुछ ऐसे ही रोल प्ले में बोला कि मुझे नहीं आ रही तो उसके बेटे ने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ उसने वो बताया लाइक uh, like, अम्मी को स्पेलिंग बताई और कहा आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा बिकॉज यू हैव कॉपीड इट तो इट वाज इट ऑल एवरीथिंग चेंज इनटू अ गेम बच्चे को स्पेलिंग याद भी हो गई अम्मा से सुन सुन के उसने चेक भी की वो पूरा इंगेज हुआ बच्चा इस पूरी एक्टिविटी में और ये जो लर्निंग का प्रोसेस था ना वो बहुत आराम से हो गया उसमें कनेक्शन बिल्डिंग भी हुई बच्चे के साथ अम्मा को गुस्सा भी नहीं आया एंड एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ तो इट इट रियली वर्क्स मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें हैं इट रियली वर्क्स यू जस्ट हैव टू टेक अ स्टेप Yeah. और दूसरी बात ये कि जैसे यहाँ पे उमे याहिया ने लिखा है एंगर ब्लॉक्स द माइंड यूजुअली जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि गुस्से की वजह से आपकी सोच समझ जो है वो बंद हो जाती है जैसे कहते हैं ना हम लोग पंजाबी में कहते हैं मत मारी गई है इसकी मत मारी गई है तो यही होता है ना यू कैन एस थोर तो गुस्से में इंसान जो है वो नहीं सोचता है इसी तरह देखे मैं एक अपने मतलब बहुत करीबी मेरे साथ मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है ये ये कोची का का एक क्लाइंट कि उनके साथ ये श, उनको खातून को ओसीडी थी और उनको खुद भी नहीं पता था उनको ओसीडी है तो बच्चा जब खाने बैठता था छोटा कॉडलर जो है वो दो साल का बच्चा आपको पता है कि बच्चे के भी हैंड ग्रिप भी नहीं बनी होती सही से तो उससे गिरता है वो सही से पकड़े खा नहीं पाता उसके पकड़े गंदे होते हैं तो उनको ओसीडी सी डी थी तो बोला टेबल नहीं गंदा करो शर्ट नहीं गंदी करो तो मतलब वो खाना खाते हुए इतना गुस्से में बोल रही होती थी और उनको खुद भी नहीं रियलाइज होता था कि वो इतना गुस्सा करें कि बच्चे ने ऐसा ऐसा खाना ही छोड़ दिया मामा आप खिलाए तो वो मतलब वो चीज अब उनके लिए इतनी डिफिकल्ट हो गई मैनेज करना कि ये बच्चा खुद खाना नहीं खाता और फिर वो इतना चूजी हो गया इसी वजह से तो बहुत कम चीजें खाने शुरू कर दी और वो इसके पीछे सारा बच्चे का मसला नहीं था ना मदर के ओसीडी की वजह से वो जो गुस्सा उनका ट्रिगर होता था उनको खुद भी नहीं पता था जब उन्होंने बात की उन्होंने ओसीडी पे जब काम करना शुरू किया फिर उनको समझ आई कि भाई काम तो मुझे अपने गुस्से पे करना है काम तो मुझे अपने ऊपर करना है कि मुझे बच्चे को इतना फ्री स्पेस देना है मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि बच्चा खाना खाते हुए कपड़े गंदे करेगा इट्स ओके आई कैन चेंज हिम इट्स ओके आई कैन क्लीन द टेबल मुझे अपने आप को संभालना है इस टाइम पे मुझे बच्चे को नहीं ठीक करना मुझे अपने आप को ठीक करना तो अपने आप से अवेयरनेस होना अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना अपने साथ कनेक्ट करें अकेले में बैठे लंबी लंबी सांसें लें थोड़ी सी और अपने आप से सवाल पूछें कि क्या ये मैं अपनी जिंदगी में ऐसे ही लेकर चलूंगी अपने रिलेशनशिप्स को अपने बच्चों को अपने मॉम गर्ल को क्या रोज मैं यही मतलब मैं सोच रही होंगी कि आज भी इतना गुस्सा कर लिया चेंज लेकर आना है ना तो कैसे आएगा चेंज ट्रू वेरी ट्रू सेल्फ अवेयरनेस इज द की फॉर एवरीथिंग मतलब कुछ भी चेंज करना है तो सबसे पहले आपको अवेयर होने की जरूरत है कि चेंज क्या करने की जरूरत है व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड या तो सेल्फ अवेयरनेस इज द की ऑफ एवरीथिंग लेट्स मूव फॉरवर्ड

आपने की कि अच्छा मुझे जो है ना ये चेंज करने की जरूरत है और अब मैं इसको ऐसे मैनेज करूँगी सो राइट इट डाउन एंड लेट नो सो दैट वी कैन लर्न मोर पॉज एंड ब्रीथ जबरदस्त उनमें यहाँ करेंगी पॉज एंड ब्रीथ ओके एंड दैट यू विल ट्राई इट कि पहले जो अभी सोया ने बताया कि भाई ब्रीथ करें गहरी सांस लें टेक अ डीप ब्रेथ थिंक अबाउट योर गोइंग टू बी रिएक्शन के अब मैं इस पर क्या रिएक्ट करने जा रही हूँ जस्ट थिंक अबाउट इट एक छोटा सा सेंटेंस जो है ना ये वट आई एम गोइंग टू रिएक्ट चेंज योर रिएक्शन डेफिनेटली इट चेंज योर रिएक्शन वट एल्स इज कमिंग चेंज हाउ यू लुक एट दिचुएशन चेंज द हाउ यू लुक एट दैटो ग्रेट आइडिया दैट हाउ यू पर थिंग्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लर्निंग दैट हाउ डू वी सी जैसे अगर बच्चे ने कुछ किया है तो हम कहते हैं कि भाई इसने ये गिरा दिया इसने ये ऐसा कर दिया बट इफ़ यू चेंज यसेप्शन यार इससे ये हो गया तो एंगर वहीं पर डिफ्यूज हो जाएगा ना कि ये तो हो गया ये ऐसा इसने जानबूझ के नहीं किया तो इट हैपन्स सिमिलर सिचुएशन वी आर फेसिंग एंड रियक्टिंग सेम वे येस हमें अपना रिएक्शन चेंज करने की ज़रूरत है तो सिचुएशन भी देखिए सिचुएशनस कुछ सिमिलर क्योंकि बच्चों के साथ मामलात ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें रूटीन में होती हैं वो होंगी बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं यूनिफॉर्म जगह पे नहीं रख रहे हैं बैग जगह पे नहीं रख रहे हैं शूज़ नहीं रख रहे हैं और ये डेली रूटीन का प्रॉब्लम है नमाज पढ़ लो काई हिसाब से पढ़ लो और हम रोज़ाना उसमें एक बहस में होते हैं यू नो डेली रूटीन है हमारी ये चेंज तो नहीं हो सकती ये चीज़ें तो चेंज नहीं होंगी सिचुएशनस तो यही रहेंगी हमें अपने रिएक्शन चेंज करने की ज़रूरत है

उन्ह um, उन्होंने उसने वो शूज उतारे उसके और फिर उसको कहा कि हाँ जी अब आप बताए आपने कौन से पहन ले बस इतनी सी बात थी दोनों तो चीजें होती हैं और सच में हर रोज नया चैलेंज आता है मदर्स का जो रोल है वो बहुत बड़ा है आपका जो स्टेटस है एज अ मदर क्यों अल्लाह सुहा आपको थ्री टाइम्स जो है वो ज्यादा फजलियत दी है बाकी सबसे क्यों

We are learning. We are still learning to be better parent, right? So just apologize. Make it a habit. If something goes wrong, apologize to your child. Bar bar, even not. Because that's not the habit. If mom apologizes, that's not the habit. But at least one time or two times, if you feel something is wrong, rather than being guilty and feel have that feeling, go and talk to your child. I'm sorry. I scolded you. I'm sorry. I hit you. I'm sorry. I was loud. That's okay. तो उसको ये पता चलेगा कि अच्छा गलती हो सकती है मुझसे भी हो सकती है एंड आई कैन बी सॉरी और इट्स ओके इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स बट डों ने आप बेहतर रिस्पॉन्स पर, कर रहे हो बिल्कुल और आप बिल्कुल अपने बच्चों को भी ये बता सकती है कि आई एम लर्निंग ज माई एंग टू बी बेटर आपको पता है बच्चे इतने जबरदस्त है होते हैं कि वो पुलिस वालों की तरह हमें नोटिस करते हैं कि अब ये क्या करेंगी अब ये कुछ गलती करें और हम बताएं कि आपने तो कहा था आप अपने आप को ठीक कर रही है आपने तो कहा था अब आप गुस्सा नहीं करेंगी तो दैट्स ऑल्सो अ रिमाइंडर कि अब mm -hmm. जो है ना आपको पता है कि ये मुझे नोटिस कर रहे हैं और आई है मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड करना है मुझे बेटर बिहेव करना है मुझे अच्छे से कम्युनिकेट करना है क्योंकि बच्चे हमें देख के सीखते वी आर एवरी टाइम वी आर रोल मॉडलिंग तो जो देखेंगे वो hmm. करेंगे जो हम करवाना चाहते हैं वो हम करना शुरू कर दें ऑबियसली इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग बट टेक हेल्प फ्रॉम योर चाइल्ड एंड देर इज़ अ वन वेरी यूजफुल टूल कि आप अपने बच्चों से पहले आप खुद रेट करें अपने आप को कि हाउ हाउ मच एंगर लाइक मैं दिन में कितनी बार एंग्री होती हूँ कितना मुझे गुस्सा आता है इसमें आप रेट करें मैं हर वक्त ऑन अ स्केल ऑफ टेन टू टेन में मैं कितनी टाइम जो है ना वो एंगर की फीलिंग uh, में रहती हूँ हाउ एंग्री डू आई लुक और डू आई रिमेन एंग्री मतलब आप मुझे कैसा रेट करेंगे तो yeah, आपकी अपनी really nice. लर्निंग होगी और आप अपने बच्चों से ये बात बता भी सकते हैं कि इट्स जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज Uh, ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे ये बताएंगे तो उसके बाद कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी बट आई एम जस्ट लर्निंग आई एम लर्निंग टू बी अ बेटर पर्सन इस तरह एक और बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि बच्चों को ये पता चलेगा कि अच्छा बड़े लोग भी लर्न कर सकते हैं बड़े लोग भी सीखते हैं सिर्फ हम लर्न नहीं कर रहे मतलब सिर्फ हमें ही नहीं पढ़ना और सीखना और सब कुछ करना इट्स नॉट ओनली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े लोग भी ऐसा करते हैं नो मम्मा भी सीखती हैं बाबा भी सीखते हैं तो सब लोग सीख रहे हैं तो इट्स इट्स गुड टू लर्न तो लर्निंग का भी एक अच्छा सा उनका इमेज बनेगा कि अच्छा लर्निंग इज गुड लर्निंग इज नॉट बर्डन रादर इट्स अ गुड थिंग एग्जैक्टली आप देखिए कि अपनी किसी भी मौके पे जैसे ही आपको उसकी अवेयरनेस आई जैसे आपने इस पर रिफ्लेक्ट किया कि स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट गेट कनेक्ट टू 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 हेल्प जैसे कि हमने यहाँ भी लिखा हुआ है कि आप हेल्प लें फिर जब आपको लगे कि हाँ मुझे इस चीज़ में से अपने आप को निकाल निकालना है अपने एंगल को मैनेज करना सीखना है मुझे वो स्ट्रैटेजी सीखनी है अपनी लाइफ का एक गोल बनाना है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मिसाल के तौर पर अगर बच्चों ने आपको ग्रेड दिया है कि मामा आप तो हर एक सेकेंड के बाद आप तो एकदम से शाउट करती हैं तो यू यू नीड टू बी लाव सीरियस अबाउट इट एंड यू शुड यू शुड नॉट बी लाइक कोई बात नहीं मतलब कुछ नहीं हुआ मतलब नहीं आपको उसको सीरियस से लेना है और आपको काम करना है एक छः महीने साल लगा लें अपने अपनी उस हैबिट को रिपेयर करें जैसे हमने पहले भी बताया कि एंगर जो है वो एक हैबिट है उसको जब तक आप जो है वो दोबारा से उस पर काम नहीं करेंगे अपने ट्रिगर्स को नहीं देखेंगे वो कैसे ठीक होगी अच्छा यहाँ पे एक मरियम गिलानी ने लिखा है एक कमेंट एक ही चीज बार बार हो रही हो तब कैसे ठीक करें बहुत मरतबा होने के बाद भी कभी कभी बस हो जाती है बच्चों के हवाले से नहीं ओके okay. रिलेशनशिप uh, रिलेशनशिप so yeah, के बारे में बात करें कि एक ही चीज बार बार हो रही हो तो रिपीटेशन कोई बात होगी रिपीटेशन हो रही है बार बार राइट एंड इमोशनली शी शी फील हर्ट आई गेस बिकॉज ऑफ दैट शी इज गेटिंग एंग्री मरियम अगर आप थोड़ा सा करें कि ये करें जो बार बार हो रही है वो सामने वाले पर्सन की वजह से उनकी तरफ से हो रही है या आपकी तरफ से हो रही है अगर वो उनकी तरफ से हो रही है तो यू नीड टू चेंज योर रिस्पॉन्स और अगर वो आपकी तरफ से हो रही है तो यू नीड टू चेंज योर एक्शन सामने वाले की तरफ से हो रही है कभी कभी सामने वालों को हमारे एक रिस्पॉन्स की आदत हो जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको भी हमारे ट्रिगर्स पता होते हैं तो वो हमारे बटन दबाते हैं कि अच्छा मैं इसको ऐसे जो है ना ये होगा और फिर ये यूं होगा दे नोज द साइकिल और हमारा भी एक सेम रिस्पॉन्स होता है तो रादर देन बीग इन द सेम रिस्पॉन्स एवरी टाइम चेंज योर रिस्पॉन्स ट्राई टू चेंज इट वन यू चेंज योर रिस्पॉन्स सामने वाले की थोड़ी सी जो है ना वो जो कंटीन्यूस एक हैबिट चल रही होती है ना वो ब्रेक होती है बिकॉज उसको सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलता इसकी कोई मिसाल आराम से मिल जाएगी अगर जो है आपके आ, आपको भी ख्याल आए कोई याद आए तो बताइएगा कि जब हम एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तो यू you नो know, एक एक चेंज चल रही होती है फिर जब हमारा रिस्पॉन्स चेंज होता है तो हम नोटिस करते हैं ना कि हमारे बाकी घर वालों पे भी इफेक्ट आ रहा है और बच्चे भी बेहतर हो गए और यू you नो know, जब हम कोचिंग में थे तो ऐसा लगता था कि पूरा घर ठीक हो गया है और हमारा तक इतना बेहतरी नहीं आई लेकिन बाकी लोग सब बहुत ठीक हो गए तो बेसिकली हमारा रिस्पॉन्स बदल रहा होता है घर वाले वैसे ही रहते हैं हम अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं यस आई डिड लास्ट नाइट गुड यू डिड लास्ट नाइट वेरी गुड आप इसको प्रैक्टिस करें दोबारा दोबारा के हर दफा कुछ नया रिस्पांस करके देखें कहाँ पे आपकी जो है ना वो चेन टूटती है तो दैट विल हेल्प यू इंशाल्लाह या लेट्स मूव ऑन टू चीर नेक्स्ट साइड व्हाट वाज मोस्ट यूजफुल फॉर यू ओके If you want to share something, you can raise your hand. We can take a few suggestions or your feedbacks. Or if you have anything to share, you can just write it in the chat box as well. What was most useful for you? Reflection writing. Okay. For Mariam, it was reflection writing. Yes, reflection is a very, very powerful tool. Very powerful. it gives you the insights that you cannot have any way। बस ऐसे ही हमें नहीं पता चलता। जब हम लिखते हैं ना तो इतनी जबरदस्त insights build होती हैं कि वो हमें हम सोचते हैं कि यार ये तो पता ही नहीं था हमारे अंदर ये भी है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। और तो इसी बात ही कि uh, reflect करना इतनी जरूरी चीज़ है जैसे सलेम इकबाल ने कहा self talk self talk is also a

इसी लेकिन मैं कैसे उसको जो है वो तो वैसे ही तो करेंगे बच्चों को तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दैट इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव ये सब ठीक हो जाए ना ये ये सही हो जाए ये बच्चा सही हो जाए या ये चीखना बंद कर दे इसके सही हो जाए वो नहीं होगा वी नीड टू चेंज आयर सेल्स Yes. और और हम अगर तो कर सकेंगे हर चीज के तरीके हैं लेकिन सबसे पहले अपने आप को इन कंट्रोल करने की well. yeah. दूसरी बात ये देखिए अगर आप में से कोई भी माइक पे आकर भी कुछ हमारे शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम आप लोग अपना माइक अपना हैंडवेज करें तो हम आपको माइक आपके म्यूट करके आप हमारे से बात कर सकते हैं और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये आप डिस्कवरी कॉल ले सकते हैं आप ये हमारा फॉर्म है इसका जो है क्यू आर कोड आप डिस्प्ले किया है आप इसको अगर आप इसको इसके पिक्चर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक पे लिखते जाएगा और वहाँ पे फॉर्म है आप उसको फिल करें वहाँ पे डिफरेंट कोचेज हैं भी है वहां पे मे, मेरा भी नाम भी वहां पे आप जिस कोच के साथ भी सेशन लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी अभी तक जो आपने आ, सुना है है वो नोइंग था ठीक है? आपने सब कुछ जान लिया है ठीक है अब डूइंग के लिए आपको किसी ना किसी कोच के साथ जो है अपने आप को कनेक्ट करके अपनी लाइफ में एक बेहतर विजन लेकर आना है अपनी लाइफ में बेहतर मैनेजमेंट लेकर आना है अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना है तो उसको अचीव करने के लिए आपको जो है वो कनेक्ट करना है हमारे साथ वी आर हेयर टू हेल्प यू चलें जो है आप अगर कोई आप लोग अपना कमेंट शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और अगर तो आप uh, माइक पे आकर बात करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम टू यू थैंक यू सो मच एंड Uh, आप लोगों का बहुत शुक्रिया आप लोगों के होने की वजह से ही ये वर्कशॉप बहुत अच्छे तरीके से अपने अख्ताम को पहुँच रही है एंड आई वुड लाइक टू यस रिकॉर्डिंग अवेलेबल है अज़रा कोई uh, बात नहीं आपको मैं हम हम लोग इसको यूट्यूब पे इनशाला अपलोड करेंगे यूट्यूब का जो चैनल है मुमकिन का उस पर इनशाला अपलोड हो जाएगी तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं इसको बल्कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड सॉरी हमारे साथ अपने फीडबैक्स भी शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी वर्कशॉप आपने क्या सीखा व्हाट वाज यूजफुल फॉर यू हो सकता है अभी आपको कोई चीज ख्याल ना आए बाद में आ जाए तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू कनेक्ट विद अस एंड शेयर योर फीडबैक्स विद अस या ओके thank you so much Sana, and thank you so much azra uh wae and uh, sanal ne bhi kai, informative time tha. thank you so much stakala kai bhi hum jo hai isko khatam karte hain khana to na umma bi hadika shalla la ilaha illa ant astaghfirullaha wa tawabuhulay assalamu alaikum